नमस्कार, मैं अनुराधा और आई नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य अध्यक्ष एजाज काजमी ने नगीन झीलों में जले हुए हाउस बोट के मुद्दों पर प्रकाश डाला और ग्रामीणों के दैनिक मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने एलजी प्रशासन की भी आलोचना की। सर, मेरा नाम एजाज काजमी, मेरे साथ प्रोविंशियल प्रेजिडेंट राज शर्मा जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट अनुरुद्ध वशिष्ठ जी। आज का जो हमारा मुद्दा है कि 4 तारीख को रात 2 बजे जो श्रीनगर में हाउस बोट गटेड हुए हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको एक तो मुआवजा दिया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए कि बैंक से वो लोन लेके अपना हाउस बोट बना सकें, और वहाँ पे फायर फाइटर जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे मुआवजा माहौल कराया जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपना जो ऐसी दोबारा गटना ना हो जिससे 7 हाउस बोट गठित हो गए हैं और उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी सूद नहीं ली है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि 12,000 डेली वेजर जो परमानेंट करेंगे, अभी तक उनको लॉलीपॉप दिया गया है, अभी तक वो परमानेंट नहीं हुए हैं और जो दिन रात बिजली चला रहे हैं। पीएचओ एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रांत की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर अपना रोष जाहिर किया और कहा कि उन्होंने अभी तक इन कर्मचारियों के बारे में सोचा ही नहीं। और इसी के साथ ही यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से 18 अप्रैल को एलजी हाउस का घेराव करने की बात भी कही गई। रोड कॉम्प्लेक्स में जमा हो, इससे बाद अगर सरकार फिर भी हमारे मुद्दों का हल नहीं करती तो जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा तो पानी बंद की काल हो सकती है और जम्मू की जनता के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट तमाम जनता से माफी चाहता है। हम नहीं चाहते थे कि जनता को परेशान करें, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम ऐसा कड़ा कदम उठाएं। इसके लिए जो भी हालात जम्मू कश्मीर में पैदा होंगे उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। 18 तारीख को वो सारे चीफ ऑफिस में इकट्ठे हो, बीसी रोड, तो जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट प्रदर्शन एलजी घेराव का रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 घेराव का कार्यक्रम दिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और रविंद्र रैना जी का। तो हमें एलजी हाउस से मिलने की कॉल आई, हम मिलने गए तो इन्होंने हमें सारी बातें सुनने के बाद 1 महीने का टाइम हो गया तो मिलने का आश्वासन दिया था एलजी से साहब से। अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने में लगातार हो रही देरी को लेकर आज किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की देखरेख में क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि किसानों को जल्द से जल्द इस योजना के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। आपने वहाँ बोल लगाना जी, आज मेरा ये शेड्यूल है ताकि लोग भर के वापस चले जाएं। और छोटे मुलाजिम का क्या मतलब, बेचारे फोन करते उनकी सुनता को नहीं, ये बड़े शर्म की बात है। और हमारा जो मुआवजा वो 5,000 कनाल का जो सरकार ने वादा किया था उसके मुताबिक डलना चाहिए, ना कि 3280। ये गलत है, मैं एलजी से गुजारिश करता हूँ आप जल्दी से जल्दी हमारा मुआवजा पूरा डालिए और सब लोगों को डालिए। जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे ही पानी की समस्या अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई और सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र सोडम के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इन लोगों को जल्द से जल्द पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। सांबा जिले से पंकज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। जल्दी से जल्दी सारा मसला हल होना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम है, पानी है नहीं है जी, पहाड़ी के थल्ले भी पानी सुकन लग गया। दसो अस के इलाके जाचै, जा अस कुदै शिड़का दा कंडा जगह देओ, अस भी उत्थै टूटियां नलके, अस भी ठंडा थाह्र बोचै। एह् प्हाड़ी इलाका साढ़ा, तुसें रस्ते दिक्खे महाराज, जेह्ड़े कोई साढ़ा रस्ते 10 रुपये नहीं लाए न, इक सतरा जेह्ड़ा अस पानी पीने आं, इसका डंगा दिक्खिया 5 फुट जेह्ड़ा थल्लै रखी ओड़दा, कैं सीधे छड़े पैसे खाद्धे जिन्हें ठेकेदार कम्म कीते ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਦੇ ਜੇ ਸਭੀ ਲੋਕ ਯਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਮਰਦੋਂ ਸੇ ਕੰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਕੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮ ਜਾਤੇ ਥੇ ਸਕੂਲ, ਜਬ ਸਕੂਲ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੁਸ ਲਿਆਓਗੇ ਉੱਪਰੇ ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਗੇ ਕਿਆ, ਤੋ ਯਗ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਭਵਾਂ ਡੇਰਾ ਜਾਈਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
देखो जी जे बोर्ड जेकर एक लख रुपया जिस बंदे दी आमदन है बोर्ड ओदी भी उन्नी वैल्यू है ते जे बंदा एक 2 रुपए दिहाड़ी कमांदा ते उस बोर्ड दी भी उन्नी वैल्यू है उस गरीब ने के गलती है जां उन। जम्मू कश्मीर जिला राजौरी में बेला कॉलोनी में आज एक आगजनी की घटना पेश आई, जिसके तहत बेला कॉलोनी में आग लगने से एक सेंट्रो कार बुरी तरह जल गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। नवरात्रों के पावन अवसर पर निखिल ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी आरएसपुरा जयपाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने लंगर की शुरुआत करवाई। यहाँ पे और ये निखिल ऑटोमोबाइल जो है उनके पोते हैं यहाँ पे, और उनका यहाँ पे लंगर हर साल लगता है। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि ये जो इस बार आने वाला जो समय है हमारा वो कोरोना मुक्त हो, जगत में शांति हो और सभी शांति प्रिय लोग से लोग रहे और लोगों का बिजनेस जो है बड़े फूले, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पिछले कोरोना काल में। जेएनके दरमा ट्रस्ट की तरफ से रामनवमी के संबंध में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता एडवोकेट अजय गंडोत्रा कर रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाने की बात कही और प्रशासन से इसमें सहयोग करने की अपील भी की। मुस्लिम फ्रंट के जो लोग हैं, मुस्लिम जो तालाब खटिका के बाहर बड़े भव्य रूप से वो इस यात्रा को का स्वागत करते हैं। मुझे उनसे भी ये आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि वो इस बार बढ़ चढ़ के करें और ये यात्रा जो है ये कामयाब हो, और क्योंकि इस यात्रा में काफ़ी लोग होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी जिस पे रथ बनेंगे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और में क्योंकि हमने चीफ गेस्ट जो है वो राघव लंगर जी, डॉक्टर राघव लंगर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू वो चीफ गेस्ट है, तो डिप्टी कमिश्नर आईजीपी मुकेश सिंह जी, एसएसपी, एसएचओ, एसपी, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर किस्म की सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और लॉ एंड ऑर्डर को माइंड में रखते हुए इस यात्रा के साथ वो चले। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत जुगल किशोर शर्मा सांसद लोकसभा जम्मू पुंछ के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष विनय कुमार व हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने आज वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर उनके नए आवास की चाबियां सौंपी, जिसके लिए लाभार्थियों ने उनका आभार प्रकट किया। और इनकी पूरी टीम जो है इस समय हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी की सोच के भाई जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है उनको आवास मिले और हर एक के पास छत हो, उसी अभियान के तहत आज हम जहां पहुंचे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो जहां पर जिन लोगों को ये मकान जो है वो समर्पित किए हैं उनमें तरसेम लाल जी, डोली देवी जी और महेंद्र लाल जी जो हैं उनको जहां पर ये मकान की सुविधा प्राप्त हुई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी भी हैं, वो भी अपनी बात जहाँ पर रखें। गवर्नमेंट देगी 1 लाख रुपए, स्टेट गवर्नमेंट देगी 1.5 लाख रुपए जो है वो सेंट्रल सरकार देगी। इसी के लिए मैं 3 नारे लगाऊंगा, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे ही जो बाकी स्कीमें हैं जैसे पेंशन योजना है, कितने सारे लाभार्थी हैं मेरी अपनी वार्ड में, कम से कम जुगल जी कोई 650 पेंशन जो हमने अप्रूव और ली भी है। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ 800 आयुष्मान कार्ड जो थे वो भी हमने कैंप लगाकर, मेगा कैंप लगाकर वो जहाँ पर हमने लोगों को दिलाए थे। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात और आपके लिए, जो 4.5 करोड़ रुपए का बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो भी पूरा कम्प्लीट हो गया है। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।